वेलकम टू शालिनी मुकेश उबलीकर चैनल। आज फ्रेंडशिप डे है तो आप सबको फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से आपका फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया होगा। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए देखो समझो और बताओ सैर। तो इसमें बस स्थानक का चित्र दिखाया गया है, तो आप लोगों को इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को लिख कर दिखाना है। कह सकते हैं कि लिख कर बताओ या फिर इसके ऊपर आप लोग को सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सैर, बस स्थानक पर लोग बस से यात्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, लोग क्यों जाते हैं बस से यात्रा करने के लिए। कुछ यात्री अपने बस का इंतजार कर रहे हैं। ये देखो, कुछ यात्री अपने बस का इंतजार कर रहे हैं और कुछ बस में बस चालक यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। ये है, बस चालक किसका इंतजार कर रहे हैं? यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। बस स्थानक पर पीने के लिए पानी की सुविधा है। यहाँ पर है पीने का पानी, यात्रियों को पीने के लिए पानी की सुविधा है। बस के फलाट क्रमांक लिखे हुए हैं। ये देखो, फलाट क्रमांक लिखे हैं 1, 2, 3। तो कौन सी बस किस फलाट क्रमांक पर आने वाली है ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं, तो यात्री लोग वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, सैंडविच वाला सैंडविच बेच रहा है। ये है सैंडविच वाला सैंडविच बेच रहा है। अखबार वाला अखबार बेच रहा है। अखबार वाला अखबार बेच रहा है। बस स्थानक के अंदर पंखा और स्पीकर दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये है पंखा और ये है स्पीकर। ठीक है, बस स्थानक के दोनों बाजू में कूड़ेदान रखे हैं। ये है डस्टबिन, ये भी है डस्टबिन। डस्टबिन को क्या कहते हैं? कूड़ेदान। एक है तो कूड़ादान, दो है तो कूड़ेदान। ठीक है, एक वचन और अनेक वचन। यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह है। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर नहाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, इसमें सब जगह पे स्वच्छता गृह रखी हुई रहती है। तो ये है स्वच्छता गृह। यात्रियों की शुभ यात्रा के लिए बस स्थानक पर आपकी यात्रा सुखद हो ये शुभकामना लिखी हुई है। ये देखो, आपकी यात्रा सुखद हो ये शुभकामना लिखी हुई है। तुम लोग ये भी ऐड कर सकते हो उसमें, बस राष्ट्रीय संपत्ति है यानी हमारी संपत्ति है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है यानी वो हमारी प्रॉपर्टी है। आप लोगों को अगर आपको इसके अलावा कुछ और ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, पिक्चर देखिए और ऐड करके लिखिए। ठीक है, तो मुझे जैसे समझ में आया मैंने आप लोगों को लिखकर बताया है, तो आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।